भाई आप लोगों को पता ही है गाइस कि आरुण साहब की काफी सारी जो है वीडियो बनाते रहते हैं, हम तो भी काफी टॉप नॉट से काम है। और ये नंबर है जो, ये बाइक है एक्चुअली, ये राजस्थान से है। और तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, तो इसमें जो है प्रॉपर लगा दी, ब्लू कलर में है, बहुत ही जबरदस्त है। और इसमें भी टॉप नॉट से काम हो रखा है। इसको जो है खोलने का रीजन ये था, काफी सारी वायरिंग का काम हुआ है लेकिन किसी तरीके की कोई ऑल्टरेशन नहीं होती, जस्ट प्लग एंड प्ले फिटिंग। लाइट लगा रखी है, बैक साइड में भी लगा रखी है। आप लोगों को लगवाना चाहिए क्योंकि बरसात का मौसम तगड़ा फोकस मारता है। ये देखो गाइस, जो आप बाइक सामने देख रहे हो, जो फाइनल रिजल्ट है वो काफी ज्यादा किलिंग आ रहा है। और काम हुए बिल्कुल ब्रांड न्यू, यहाँ पर बाइक है, भाई की बाइक थी। यहाँ पर कहाँ से आए थे भैया आप? ऐसे हम रोहिणी से आए हैं, रोहिणी से साइड में रखते हैं। तो बाकी सारी चीजें इसमें ए टू जेड सारी ऐड कर रखी है। बेस्ट लग रहा है क्योंकि ब्लैक 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 ब्लैक, तो पूरी ब्लैक की थीम है। जैसे कि बबल वाइजर यहाँ पर आ गया, तो आरुण फाइव पर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम इस पे ना कर सके हो या ना अभी तक किया हो। तो इस वाली में अगर आप देखो तो टेल टाइडी इसमें लग चुकी है, जिसमें इंडिकेटर जेन्युइन वाली लगा दी है। ग्रैब रेल इसमें लग चुके हैं, इसके अलावा सिमटेक हैजार्ड, इसमें आपको 22 तरीके के पैटर्न मिलते हैं अलग अलग। टैंक पैड लग चुका है, पीपीएफ की जो है कोटिंग भी इस पे हो चुकी है, क्रैश गार्ड की इंस्टॉलेशन चल रही है, फोर प्रोटेक्शन लग चुके हैं। तो ये फाइनल लेयर उतरेगी इस तरीके से और चमक आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा लीवर गार्ड लग चुके हैं, जैसे कि साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी इसमें लग चुका है। तो इसमें और दो चार पाँच चीज़ें और लगेंगी। हमने लगाई है ब्लू कलर की, ये देखो। इसके लिए मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करूंगा, ये देख सकते हो आप। तो ब्लू यहाँ पर लगा दिया, अब आप इसकी चेक कर लो लुक, ऊपर वाला लुक देगा ये देखो। अभी इसकी एडजस्टमेंट कर। तो गाइस इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, भाई हमारे पास लेकर आ चुके हैं यामा R15, बिहार से लेकर आ चुके हैं बाइक है। तो हमने लगा दी क्योंकि शॉप क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। तो जो बाइक है इनकी, एक तो अपाची लेकर आए थे, एक R15। अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं भी राइड करके आया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी शॉप है, रियल शॉप, वो इंडिया मोटर के साथ में पड़ती है। एक्सट्रीम 160 यहाँ पर आई हुई है, BMW G310 R आई हुई है, MT50 जो एवेंजर में काम चल रहा है, MT है यहाँ पर, ब्रांड न्यू आई हुई है, R15 जस्ट भी आई हुई है। फिर मडगार्ड से रियर फेंडर मडगार्ड कहते हैं, वो भी ऐड हो चुका है कि जिसमें PPF मैट वाली हो रही है, हो गया PPF लेमिनेशन हो गई, TNR मिरर हो गया, कार्बन हो गया, फ्रंट बबल वाइजर हो गया, फोर प्रोटेक्शन स्पोर्ट्स स्लाइडर्स का अभी इसमें नई और ऐड कर रहे हैं, जैसे कि इसमें विंग्स लाइट स्पॉइलर, ये काफ़ी अलग तरीके के इस बार लगाए मैंने। आप लोग बोर हो चुके होंगे वाले दिख देख के, तो ये नया अपग्रेड है आप लोगों के लिए। ये देखो भाई यामाहा R15 कलर टू कलर मैच, पैड एंड थाई पैड कॉम्बो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सेट है टिंग के साथ, टैंक पैड। ये देखो बहुत फिर देखना इसके DRL का मजा। ये देखो गाइस, ये इसके DRL चेक करो, यहां पर एडिशनली DRL लगाए, यहां पर भी और साथ में यहां पर भी। मैं आपको दूसरी वाली R15 चेक कराता हूँ कि उसमें क्या क्या काम हो रहा है। ब्लैक देखिए, ये यहाँ पर व्हाइट आ गई, इसमें PPF का काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जो DRL है ये आप देख तो अभी लुक देख लो गाइस, तो इस सेगमेंट का भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर ग्रैब रेल वगैरह हो गए हैं, टैनर वाले मिरर हो गए, अरल सेम कॉन्सेप्ट पे है, देख सकते हो अरल के जस्ट ऊपर। इसमें जो काम किया गया वो आपको दिखाता हूँ, यानी कि बबल वाइजर यहाँ पर लगाया गया, ज़्यादा स्पोर्टी आ रही है, बल्ब लगाए और साथ ही में जो लीवर गार्ड्स लगाए हैं इसकी आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, तो कितनी ज़बरदस्त है इसकी, आपकी भी सेफ्टी रहेगी, बाइक की सेफ्टी भी रहेगी। कुछ टॉप नॉच सी मॉडिफिकेशन है जो कि इसकी लुक को पूरा चेंज कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ से, देखो गाइस, और काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। रैपिंग की गई है जो कुछ ये वाला लुक आ रहा है, ज़बरदस्त लग रही है, ये भी काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रही है, शार्क के दांत वगैरह इसमें दिख रहे हैं। और ये तो यहाँ से ये पूरे के पूरा लुक आ रहा है, और जो साथ में इंडिकेटर है R15 V4 यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, दोनों ब्लू हैं। आपने M देख, तो ये मिरर होगा इसके, बॉक्सेस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हर बंदा लगा रहा है, इसमें सिर्फ ऑयल डालना बाकी है काफ़ी, इसमें सारी चीज़ें हैं, पर सेम ही रहेगा, यानी कि ब्लू जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज होती रहेगी। इसके अलावा फोर प्रोडक्शन फोर स्लाइडर से, और यहाँ पर लगी है विंग्स वाइल लाइट्स का, यहाँ पर है स्विच, इनमें इतना पता नहीं चलेगा, रात में काफ़ी अच्छा है। बाकी भाई फुल एग्जॉस्ट सिस्टम एग्रोपब्लिक का, ग्रैब रेल, इसके अलावा यहाँ पर बॉडी इंडिकेटर कर सकते हो आप, फ्लैट वाले जो काफ़ी ब्राइट है, अभी दिन में भी देख लो, अभी काम वगैरह बहुत बढ़िया काम लगा मुझे। कारण ये होता है काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हल्के हल्के मॉडिफाइड करेंगे और कुछ नया आ जाएगा, फिर भाई की वीडियो देख के फिर दोबारा उसको ऐसा, आपको सब कुछ कराई दिया बनाएंगे। अपन पास आती रहती है मॉडिफिकेशन के लिए, जो कि अभी आपने देखी वीडियो में, तो एक ये है, एक यहाँ पर अभी जस्ट मॉडिफाइड होकर आई हुई है, एक यहाँ पर है, इसमें ग्रैब रेल वगैरह लगे हुए, एक वहाँ पर है ब्लू, एक यहाँ पर है रेड, अंदर नीचे की साइड में
पे बहुत ही जबरदस्त फोकस इसका, ये देखो गाइस, डबल स्लाइडर के साथ क्रैश गार्ड प्रॉपर बोलते हैं, और रियर फेंडर मड गार्ड ही बोलते हैं, बरसातों में बहुत ही यूजफुल है क्योंकि मिट्टी वगैरह यहाँ पर भर जाती है। एंड ये फुल वाले आ गए जो बहुत ही हैवी लोग देते हैं, ये बबल राइजर लग रहा है और उसमें टैनर वाले मिरर वगैरह हो गए, ये सारी R15 हो चुकी है, एक दो तीन चार अपने पास यहाँ पर लेके आ चुके हैं। अभी ये जो R1 है आप देख सकते हो, तो इसके अलावा आप चेक कर सकते हो अपने पास BMW G310 R यहाँ पर चेक कर सकते हो, उसमें एग्जॉस्ट वगैरह हो गया, स्लाइडर्स वगैरह A to Z सारी मॉडिफिकेशन है, इसका अलग से वीडियो मिलेगा। मेटालिक रेड के साथ यहाँ पर R15, इसमें SC प्रोजेक्ट फुल सिस्टम लगाया गया, ग्रैब रेल लग रहे हैं आगे, वाइजर वगैरह, टैनर वाले मिरर, होंडा CB200X और इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी बाइक्स आपको दिखाता हूँ, ये चेक कर सकते हो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है कर दिया है। और थोड़ा सा यहाँ पर लुक को इन्हेंस करने के लिए कार्बन का टच दिया है, यहाँ पर रेड ब्यूटी तैयार हो चुकी है अपने सामने, जो कि ये सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करो, उसमें ग्राफिक बनाए गए हैं जो कि कुछ इस तरीके के लाइक शार्क, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैक ब्लैक पेट और दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से, बढ़िया फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त, मजा आ गया। थोड़ा सा ये काफी ऑसम लग रही है, इसमें 10R वाले मिरर हो गए, ZX 10R वाले चेक कर सकते हो, यानी कि अगर हटाकर पूरी वाटरप्रूफ वाले यहाँ पर लगा, ये है प्रॉपर इसका लुक। यहाँ पर देखोगे तो फोर्थ प्रोटेक्शन लगा रखी है फ्लैट में सिल्क R1M, तो R1M का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा रखा है इसमें, फोकस येलो व्हाइट, ये येलो आ गया। तो गाइस इसके अलावा एक यहाँ पर रेड ब्यूटी तैयार हो चुकी है अपने सामने, जो कि ये बाइक आ रखी है, ये कहाँ से आई थी भैया बताएंगे, कहाँ से? सोनीपत से आए थे। जब होलीगांव सोनीपत से यहाँ पर कितनी दूरी का फर्क है? 40 किलोमीटर दूर से आई हुई है। क्या क्या काम हुए बता देते हैं आपको, सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करो, उसमें ग्राफिक बनाए गए हैं जो कि कुछ इस तरीके के लाइक शार्क वाला डिजाइन है, जो R15 पे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी चलता है, लेकिन रेड कलर में बहुत कम आपने देखा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, यहाँ पर ब्लैक का टच है, व्हाइट का टच है, रेड ऑफिशियली ये था ही, तो ये आ गया ग्राफिक, और इसका जो है आइज भी यहाँ पर आ चुकी है, सेम कॉन्सेप्ट इस साइड से भी चेक कर सकते हो आप, ये लो जी, तो यहाँ पर ये बन गए शार्क वाले डिज़ाइन, और साथ ही में यहाँ पर लग गए बॉडी इंडिकेटर डबल कलर के साथ, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, साथ ही में लगा हुआ है हैजार्ड सेटअप, हैजार्ड क्या होता है मैं आपको बता दूँ, चारों इंडिकेटर को एक साथ चलाता है, वो भी अलग अलग डिज़ाइन के साथ, और उसके लिए आपको ये इंडिकेटर वाले स्विच को दाएं बाएं बीच में दबाना है कुछ इस तरीके से, यानी कि लेफ्ट राइट पीछे प्रेस पैटर्न चेंज, 22 पैटर्न मिलते हैं, और बाकी ये कुछ इस तरीके से रहता है गाइस। इंडिकेटर आप लोगों ने देख लिए, डिज़ाइनिंग आपने देख ली, बबल वाइजर इसमें लगाया गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैक ब्लैक और ब्लैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बबल वाइजर भी। यहाँ पर इसके अंदर देखो तो रेडिएटर ग्रिल लगा रखी है रेडिएटर की सेफ्टी के लिए, इसके अलावा यहाँ पर व्हील कवर, हाफ वाले व्हील कवर लगा रखे हैं, फ्रंट वाले व्हील पर भी देख सकते हो, बैक वाले व्हील पर भी देख सकते हो, जिन लोगों को लगता है कि यार अगर हम व्हील कवर फुल वाले लगवाते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो वो लोग टेंशन ना लें, सीधे आकर हाफ वाले लगवा लो, टेंशन ही मत पालो, फुल वाले चाहिए तो फुल वाले लगा लो, दिक्कत कुछ होती नहीं है वैसे। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिकेटर लगा रखे हैं कुछ इस तरीके से, इसका फोकस आपको अब दिखाता हूँ मैं, जब मैं नॉर्मल इंडिकेटर दूंगा, लो जी ये इंडिकेटर क्या पूरी फॉग लाइट ही लग रही है भाई, इतना फोकस है इसका, साथ ही में टेल टैडी वो भी फोल्डिंग वाली, मैग्नेट वाली बोल सकते हो या फोल्डिंग वाली बोल सकते हो, ये इंडिकेटर अगर आपको नहीं लगवाने तो यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन है ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी लगवा सकते हो, ये फोल्डिंग वाली टेल टैडी आ गई आपकी पूरी, जो पूरी ये वाली यूनिट थी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर अगर गाइस आपको और चीज़ें दिखाएं तो और चीज़ें शायद इसमें कुछ है ही नहीं, क्या है और कुछ रह तो नहीं गया, तो अभी हमने आपको दिखाया बबलाइजर दिखाया, रेडिएटर ग्रिल दिखाई, ग्राफिक दिखाया, व्हील कवर दिखाया, साथ ही में टेल लाइट दिखाई और इंडिकेटर दिखाए, और यहाँ पर आने के बाद आपको एक टैंक पेड और दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये चीज़ें हो गई। बाकी काफ़ी सारी वीडियो आप लोग हमारी देखते रहते हो, बाकी और वीडियो आपने देखी उसके बारे में बताना, कुछ और कहना चाहते हो आप, कैसा लगा काम वाम? काम बहुत अच्छा लगा, ठीक लगा काम? हाँ जी बहुत अच्छा काम लगा। आपको अच्छा नहीं लगा? लग रहा है नहीं नहीं, आपको अच्छा लगा? नहीं बहुत अच्छा काम लगा। तो भाई लोग जरूरी नहीं है आप लोगों के पास यामा R15 हो, धरती पर जितनी भी इस समय टू व्हीलर दौड़ रहे हैं सबकी आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो ओनली ऑन वन शॉप पर, वो भी मिलेगी दिल्ली करोल बाग नाईवाल मार्केट फॉर SKD बाइक वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर वाइट ब्यूटी है जो कि भैया की है कंप्लीट हो गई है, और कॉन्ग्रेचुलेशन नई बाइक के लिए भाई, कैसा लगा काम वगैरह? बढ़िया फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त, मजा आ गया भैया। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मजा आ गया। तो भाई इस वाली वीडियो के अंदर आपको काफी सारी R15 देखने को मिलेंगी अलग अलग विभिन्न विभिन्न डिजाइन की, तो आप एक यहाँ पर चेक कर सकते हो, ब्रांड न्यू है डिसेंट, और इसमें कोई भाई दोहराई नहीं है कि ये काफी ज्यादा ऑसम लग रही है, इसमें 10R वाले मिरर हो गए, ZX 10R वाले चेक कर सकते हो आप। इसके अलावा इसमें इंडिकेटर का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर बॉडी इंडिकेटर लगाए जो कंपनी देती है ना बाहर लटकते होते हैं, तो वो काफी टाइम के बाद एक टाइम के बाद गिर जाते हैं भाई, तो हमने क्या अगर हटाकर पूरी वाटरप्रूफ वाले यहाँ पर लगा दिए हैं, बबल वाइजर यहाँ पर लगा दिया है, विंगलेट लगा दी है, ये चेक कर सकते हो स्पोर्टी लुक देने के लिए, अंदर रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है, और यहाँ पर क्रैश गार्ड लगा रखा है डबल स्लाइडर वाला, तो यार ये मस्ट है मॉडिफिकेशन होती है जो कि आप लोगों को कराना चाहिए बाइक लेने के बाद, सबसे पहले PPF लेमिनेशन वगैरह हो गई, इसकी ज़रूरत है, इसे आप लुक के लिए कह लो या इसकी भूख कह लो तो वो जरूरी है भाई। यहाँ पर ग्रैब रेल्स हो गए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के सीट एंडलेस वगैरह टूट जाते हैं,
और उसका फिर बंदे उसमें एम सील मिट्टी फेविक्विक पीओपी पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, तो भाई वो सब मत करो। ये है प्रॉपर इसका लुक, लीवर गार्ड भी इसमें लगा रखे हैं, सेफ्टी पॉइंट वाली चीजें हैं। मान लो कभी गलती से बाइक गिरता है तो आपके क्लच और लीवर डैमेज नहीं होंगे। ये है इसका ऑल अबाउट लुक गाइस। और यहाँ पर बैक साइड में हमने वाटरप्रूफ इंडिकेटर लगा रखे हैं, वो भी केटीएम वाले। तो गाइस यहाँ पर एक R15 वाइट ब्यूटी और है, इसमें भी दिखा देता हूँ आपको क्या क्या काम है। जैसा कि आप फ्रंट में देखोगे तो एक बबल वाइजर यहाँ पर लगा रखा है, इसके अलावा टैनर वाले मिरर हो गए, और इसका मैं आपको इग्निशन ऑन करके भी दिखा देता हूँ। इसका इंडिकेटर भी आपको उसमें मिल जाते हैं LED। चाहे छोटी छोटी एक्सेसरीज होती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं यार ये भी। और इसमें बात कर रहा था मैं इंडिकेटर की, तो इसमें देख सकते हो आप इंडिकेटर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, और काफ़ी अच्छे लगते हैं। रेड एक्सटेंडर में आपने देखे होंगे तो वही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो ये हो गया आपके मिरर, इसके अलावा विंग्स लगा रखे हैं यहाँ पर, चेक कर सकते हो। कार्बन वाले आपने जो विंग्स देखे थे वो प्रॉपर वाले यहाँ पर आते हैं। ये 3M वाले हैं, यानी कि 3M के टेप से अटैच हो जाते हैं, उसमें स्क्रू लगाने पड़ते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिकेटर लगा रखे हैं, वो भी बॉडी इंडिकेटर। और यहाँ पर देखोगे तो फोर्थ प्रोटेक्शन लगा रखी है फ्लैट में सिल्वर कलर की। और इसी तरीके से गाइस यहाँ पर फुल एग्जॉस्ट सिस्टम फॉर R1M, तो R1M का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा रखा है इसमें। इसका आपको साउंड सुना देता हूँ मैं कैसा है। बाकी बैक साइड में आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इंडिकेटर लगा रखे हैं। इसका फोकस देखो यार, अभी धूप देखो कितनी ज़्यादा हो रही है और फिर भी इसका फोकस विजिबल है। मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ, ये रहेगा आइडियल पर, यानी कि जब बाइक स्टार्ट करते हो तब का साउंड है। और इसके अलावा गाइस इसकी आइस के अंदर आप डिज़ाइनिंग देख सकते हो, उसके अलावा विंगलेट यहाँ पर लगा रखी है, फॉग लाइट लगा रखी है हिडनली, क्योंकि अंदर की साइड में आप चेक कर सकते हो। अच्छा लो भाई, ये स्विच आ गया इसका, वो देखो सामने फोकस येलो वाइट, ये येलो आ गया। तो ये है कंप्लीट लुक इसकी। तो गाइस अभी तक आपने जितनी भी R15 देखी उसमें एक और वाइट ब्यूटी तैयार हुई है अपने पास, और इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं। तो पहले तो आप देख लो फ्रंट में एक बबल वाइजर हमने लगा रखा है इसमें, जो कि आप देख पाते हो। बाकी काफ़ी सारे वाइजर और भी मिल जाएंगे, ट्रांसपेरेंट भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो है काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट की थीम रहती है, तो काफ़ी अच्छा लुक निकल के आता है। इसके अलावा इसमें हमने एक विंगलेट लगाई है इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए, ये देख सकते हो आप। और अंदर हर बार की तरह रेडिएटर ग्रिल लगा रखी है, आई होप दिख रही हो आपको। इसके अलावा हमने इसमें कार्बन में आप चेक कर सकते हो कुछ पार्ट्स किए हैं, वो भी 70 कार्बन, और वो भी ग्लोस में, ये चेक कर सकते हो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है। तो ये सीट हैंडल्स जो है इसके हमने कार्बन में कर दिए, बीच का टैंक का ये वाला एरिया हमने कार्बन में कर दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पर लुक को इन्हेंस करने के लिए कार्बन का टच दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। और सेम चीज़ जो है आपकी इस साइड भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये वाला सीट हैंडल हो गया। इसके अलावा कुछ बेसिक सी मॉडिफिकेशन और हैं, जैसे कि हम इसका इग्निशन करके आपको दिखाते हैं। हैज़ार्ड लगा रखा है हमने, चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे आपके, वो भी अलग अलग पैटर्न के साथ, ठीक है, जो कि एक पैटर्न इसमें एक्टिवेट हो चुका है आप देख पा रहे हो। और इसमें बॉडी इंडिकेटर लगा रखे हैं जो कि बहुत ही छोटे से कैंडी से हैं, और एग्जैक्टली उसी जगह पर फिट हो जाते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये देखो। और अगर मैं नॉर्मल इंडिकेटर देता हूँ तो इसका फोकस देख लो गाइस कैसा है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेम स्लाइडर्स लगा रखे हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ। इसमें बस क्रैश गार्ड ही मिल जाएगा अपने पास, अगर आप लगवाना चाहते हो तो क्रैश गार्ड ही मेरे पास है। बैक साइड में आपको दिखाऊंगा मैं ऑप्शनली इंडिकेटर लगा रखे हैं, और भी ब्राइटनेस देख सकते हो कितनी ज़्यादा है इसकी यार। और अब मैं इसका एक बार सिंगल इंडिकेटर बंद करके हैज़ार्ड एक्टिवेट कर देता हूँ, हैज़ार्ड एक्टिवेट है। और ये देख सकते हो साथ ही में यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा रखे हैं, ये KTM वाले इंडिकेटर हो गए, और इसका भी ब्राइटनेस देख सकते हो आप। तो ऑल अबाउट जो लुक है बाइक की वो कुछ ये वाली आ रही है, अभी रात में भी इतना ज़बरदस्त है, दिन में काफ़ी यूनिक लुक आएगा इसका। तो ये और चीज़ इसमें ऐड हो गई, और आप लोग बताओ कैसा लगा आपको। इसमें टैंक पैड थाई पैड वगैरह भी लग रहे हैं, ये देख सकते हो गाइस आप। और यहाँ पर इंटरसेप्टर 650 जिसमें एग्जॉस्ट ट्राई कराए थे, लाइक ग्राउलर और वैनम वाले, ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हो पल्सर वगैरह खड़ी हुई है, यहाँ पर हार्ले एक्सपोर 40 है। टेली रेड पे करते हैं बैंड टाइप के साथ फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, और एक एक करके ट्राई करा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा था, काफी लाउड था M4।
एक्रोबॉबिक ऑस्टिन रेसिंग लगाओ, इसका देखते हैं साउंड कैसा है। लगाना भैया, डबल बैरर चलो। अब इसका डीपीआर खोल के आपको सुनाते हैं साउंड कैसा है इसका। दो डीपीआर निकलेंगे इसमें, एक ही आ गया, एक ही आ गया। चलो जी, तो गाइस आप चेक कर सकते हो मेटल रेड के साथ जो उसमें मॉडिफिकेशन करी है वो काफ़ी ज़्यादा किलिंग और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मतलब लुक आ रहा है। और एक एक करके आपको दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप इसके फ्रंट में देखोगे तो वाइजर तो इसका वो स्टॉक ही है, इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह हो रखी है। 10R वाले मिरर लगे हुए हैं और इस वाले मिरर में आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरीके से, जो आप देख पा रहे हो यहाँ से। देखो गाइस काफ़ी अच्छे काफ़ी बल्कि लुक आ जाता है यार ये देख सकते हो। इसके अलावा अगर 10R के मिरर के अलावा और आपको बात करें इस मिरर का और क्या खासियत है, तो इसकी खासियत एक ये है कि आप इसके एंगल को सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके, जैसे कार वाले को सेट करते हैं ना, कार का जो मिरर होता है तो वही सेम बेस्ड होता है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक विंगलेट लगाई है इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए, और यहाँ पर लगा रखी है इसकी आइस पे ब्लू कलर की डिज़ाइनिंग के साथ में रैपिंग कर रखी, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार ये ब्लू कलर का। और अभी आई होप आपको जस्टिफाई हो जाए इस कैमरे में, ये देखो ये चीज़ आप रेड भी कर सकते हो। इसके अलावा रेडिएटर ग्रिल लगाई है अंदर, चेक कर सकते हो आप रेडिएटर की प्रोटेक्शन के लिए, गलती से पार्टिकल पत्थर लगता भी डैमेज ना हो। यहाँ साइड में देखोगे तो बॉडी इंडिकेटर जो कि काफ़ी स्लिम से हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और वहीं आप बैक साइड में आपको दिखाते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि इसके ग्रैब रिल्स लगा रखे हैं जो कि आपके सीट हैंडल सेफ रहते हैं, प्लस आपको बाइक आगे पीछे करनी है उसमें भी ईजी रहता है, पीछे जो बंदा बैठेगा उसको इस तरीके से पकड़ भी सकते हैं। और बैक साइड में लगा रखी है टेल टैडी, टेल टैडी में इंडिकेटर भी लगा रखे हैं साथ ही में, वो भी KTM वाले। इसका आप देख सकते हो लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है और काफ़ी स्पोर्टी लुक है यार यहाँ से देखो गाइस। और इसके अलावा SC का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा रखा है, इसका मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। वैसे आपने काफ़ी सारे साउंड सुने हैं इसमें, ये है बाइक स्टार्ट होने के बाद। इसका की के कवर पे भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग, यानी कि जो की है इसके कवर लगा रखा है CNC में, इसमें भी काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं। तो ऑल अबाउट जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच आ रही है। बाकी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि क्रैश गार्ड हो गया, साइड स्टैंड एक्सटेंडर हो गया, शार्क पिन मडगार्ड हो गया, फोर्क प्रोटेक्शन, फोर्क स्लाइडर, तो वो सब अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। काफ़ी सारे पसंद आता है, काफ़ी सारे नहीं आता है, तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। ये रेड वाली R15 भैया की थी और ये काम करवा चुके हैं, काम कैसा लगा भाई? भाई का एक नंबर काम है, इसलिए मैं भाई की वीडियो देख के आया हूँ, क्योंकि इनका काम मुझे बहुत पसंद आया था वीडियो में। और भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जितने लोग आ रहे हैं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि भाई असली SKD कौन सी है, तो आप लोगों को पता ही है जो असली है वो अपनी है। इसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, कम से कम 4 से 5 साल पुराना हमारा चैनल है, जिसके हमारे प्ले बटन हमारे पास आए हुए उसी नाम से, उसी तरीके सारी वीडियो वगैरह हमारी मिल जाती है आपको। तो रियल SKD बाइक वर्ल्ड आपका यही है, बाकी आप लोगों की चॉइस है, आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, यही बात है जी। जी भाई, और अगर अच्छा काम करवाना तो भाई की दुकान पर, अगर बेकार से बेकार काम करना तो दुनिया बहुत वहाँ जा सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारी वीडियो है भाई इसकी, काफ़ी सारी हर बाइक की है, नॉर्मल बाइक से लेके सुपर बाइक तक का सारा काम हो जाएगा अपने शॉप पर, दिल्ली के करोल बाग नायवाल मार्केट, SKD बाइक वर्ल्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत। सो हे गाइस वेलकम बैक टू SKD बाइक वर्ल्ड, कैसे आप सब? मैं हूं आपका दोस्त, मेरा नाम इसके अंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल।
SKT बाइक पर। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा, तो वैसे चले आपको दिखाता हूँ एक ब्लैक ब्यूटी जो कि ब्रांड न्यू बाइक यहाँ पर आ रखी है और इसमें जो काम किया गया वो आपको दिखाता हूँ। चले फ्रंट पर चलते हैं और यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक विंडशील्ड वाइजर यहाँ पर लगाया गया, यानी कि बबल वाइजर यहाँ पर लगाया गया है, ब्लैक कलर का, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा जो लुकिंग वगैरह आ रही है वो देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पोर्टी आ रही है। अंदर रेडिएटर ग्रिल लगाई है रेडिएटर की सेफ्टी के लिए हर बार की तरह आप देख सकते हो यहाँ पर, और LED बल्ब लगाया है इस बार, इंडिकेटर को चेंज नहीं किया है, इस बार LED बल्ब लगाया है, इसका फोकस देख सकते हो आप। और साथ ही में जो लीवर गार्ड्स लगाए हैं उसकी आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बिल्ड है, गोल्डन कलर के लगाए हैं, फिनिशिंग देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त है इसकी। तो इसका जो काम रहता है बेसिकली यही है कि कभी मान लो गलती से ही बाइक गिरता है तो आपके क्लच और लीवर्स वगैरह डैमेज नहीं होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन जो आप चाहो वो कर सकते हो। क्रैश गार्ड इसमें लगाया है हमने फुल वाला, जिससे आपको सेफ्टी मिलेगी प्रॉपर वाली, यानी कि आपकी भी सेफ्टी रहेगी, बाइक की सेफ्टी भी रहेगी, डबल स्लाइडर के साथ है। और ये है कुछ इस तरीके से इसका लुक, डबल स्लाइडर का चेक कर सकते हो आप, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका भी लुक आ रहा है। तो ये जो बाइक है काफ़ी मस्त मॉडिफिकेशन के साथ तैयार की गई है। बैक साइड में लगाए हैं ग्रैब रेल्स जो आपके सीट हैंडल भी सेफ रहते हैं, प्लस जो पीलन राइडर से बैठेंगे वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है मामला इससे, ये देख सकते हो। बाकी लुकिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी आ रही है, LED बल्ब का फोकस आप दिन में देख सकते हो कैसा है। और अब मैं आपको और R15 दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। तो ये तो आपकी ब्लैक ब्यूटी हो गई, अब आपको दिखाता हूँ और क्या क्या काम किए गए बाकी R15 में। तो भाई साहब मैं आपको दूसरी वाली R15 चेक कराता हूँ कि उसमें क्या क्या काम हो रहा है। तो आपने ब्लैक देखी है कि यहाँ पर वाइट आ गई, इसमें PPF का काम कम्प्लीट हो चुका है। इसके अलावा इसमें टैनर वाले मिरर लग चुके हैं, DRL लग चुके हैं, यानी कि यहाँ पर जो DRL है ये अब इस तो चालू है। और ये वाला ये देखो, इसका भी लुक देख लो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है यार, क्या तो चीज़ है भाई। और ये जो रेड कलर आप देख रहे हो, इसको ब्लू ले सकते हो या फिर ग्रीन ले सकते हो, वाइट ले सकते हो, और रेड आपके सामने है ही। और अगर इस सेगमेंट का कराना चाहते हो तो इस सेगमेंट का भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर ग्रैब रेल वगैरह हो गए रेड ब्यूटी पे, आपने ब्लैक देखी, वाइट देखी, अब यहाँ पर रेड आ चुकी है। और इसका भी फ्रंट में दिखा देते हैं, टैनर वाले मिरर हो गए, ऑन करने के बाद इग्निशन इसका, और इसमें भी DRL सेम कॉन्सेप्ट पे है देख सकते हो। जो यहाँ पर जो इसका ये एरिया है तो यहाँ पर भी लगा दिया है। रिंग वगैरह तो काफ़ी पुराना ट्रेंड हो चुका है, तो अब ये बिल्कुल नया चीज़ है। और इसके यहाँ पर जो है लाइक DRL के जस्ट ऊपर एक एडिशनली DRL का काम किया गया है। ये जैसे मैंने आपको बताया, कलर जो चाहो कर सकते हो। यहाँ पर बॉडी इंडिकेटर आ गया, डबल स्लाइडर साथ क्रैश गार्ड आ गया है, टैनर वाले मिरर आ गया, PPF लैमिनेशन हो चुकी है, और उसके अंदर भी आप देख पा रहे हो काफ़ी सारी लाइटिंग का काम और है। इसे भी एम्बिएंट लाइट वगैरह ऐड कर रहे हैं जो कि रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल की जाएगी। तो अभी भी फाइनल नहीं है, प्रोसेस पे है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसा है। अगर इस सेगमेंट का बाइक है तब भी करा सकते हो। वैसे मैंने आपको 3 यामाहा R15 दिखाई थी, अभी हो चुकी है कंप्लीट। और अब कंप्लीट होने के बाद कैसा लुक आता है ये मैं आपको चेक करा देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है। तो पहले रेड वाली कवर करते हैं, फिर करेंगे वाइट वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी आप लोगों को इनमें से कौन सी ज़्यादा बेटर लगी तो मुझे आप बता देना गाइस। तो सबसे पहले गाइस चेक कर सकते हो, रेड ब्यूटी यहाँ पर तैयार हो चुकी है और इसमें जो लुक आ रहा है वो अभी तो जो है वो बेस्ट है। इसका इग्निशन ऑन करके आपको दिखाते हैं, ये हमने इसका इग्निशन ऑन किया, ये देखो गाइस क्या तो लुक है भाई। और अभी थोड़ी सी लाइट्स वगैरह और ऑफ कर देता हूँ, फिर देखना इसके DRL का मजा, ये देखो गाइस, ये इसके DRL चेक करो, यहाँ पर एडिशनली DRL लगाए हैं, यहाँ पर भी और साथ में यहाँ पर भी, तो काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है भाई ये लुक, देख सकते हो गाइस आप। इसके अलावा यहाँ पर एक स्विच लगाया है जो कि इसमें लाइट का ऑप्शन भी मिलेगा कुछ इस तरीके से, देखो ये हमने ऑफ कर रखा है, इसको करेंगे ऑन। और यहाँ पर जो एम्बियंट लाइट लगाई है वो चेक कर सकते हो कितनी जबरदस्त आ रही है भाई, क्या तो चीज है यार। और हैंडल बार पर देखो कितना यूनिक लग रहा है ये छोटा सा रेड कलर का बटन, और इसको आप अगर इग्निशन ऑन करोगे तो इसमें लाइट जल जाएगी, ये देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त है। ये सिंगल स्विच है, जिन लोगों को पूरा 3-in-1 वाला चाहिए तो वो भी मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, देखो ये हमारे Z900 में लगा हुआ है, इसमें भी लाइट्स वगैरह जलती हैं, तो वो सिंगल ही था क्योंकि सिंगल की ज़रूरत थी। और इसी तरीके से बात कर रहा था DRL की, तो ये DRL नाइट में कुछ ऐसा लुक आएगा, बाकी जब नॉर्मली आप इसको यूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके से। तो DRL फुल्ली वाटरप्रूफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा टैनर वाले मिरर लगा रखे हैं इसमें इंडिकेटर के ऑप्शन के साथ, ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बल्कि आ रहा है लुक। इसके अलावा यहाँ पर एक विंगलेट लगाई है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसमें कलर काफ़ी सारे मिल जाते हैं गाइस। और विंगलेट के अलावा गाइस रेडिएटर ग्रिल भी इसमें लगाई है, ताकि रेडिएटर पर किसी भी तरीके कोई डैमेज ना आए, ये देख सकते हो अंदर। इसके अलावा आते हैं साइड एंगल पे, और साइड में आप देखोगे तो जो इंडिकेटर कंपनी देती है तो वो हटा रखे हैं, यहाँ पर बॉडी इंडिकेटर लगा रखे हैं स्लिम से,
फुल्ली वाटर प्रूफ है। इसके अलावा यहाँ पर क्रैश गार्ड लगा रखा है डबल स्लाइडर के साथ, इनकेस कभी गलती से ही बाइक गिरता है तो आपका जो है फेयरिंग वगैरह सेफ रहते हैं, आपका इंजन सेफ रहता है, आपके लेग सेफ रहते हैं, तो ऑल अबाउट पूरी बाइक सेफ है आपकी। इस साइड से भी सेम कॉन्सेप्ट है गाइस। तो ये हो गया आपका फ्रंट का लुक, ये आ गया आपका साइड का लुक। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर सिलेंडर कैप लगाई हुई है, मास्टर सिलेंडर कैप लगा रखी गोल्डन कलर की फ्रंट, और ये आ गई रियर वन मेटल में गाइस, ये चेक कर सकते हो। इसी तरीके से गए पीपीएफ लेमिनेशन की है ग्लोस में पूरी बाइक, जिसमें आपका टैंक कवर होता है, आपके साइड के पल्ले कवर होते हैं, इसके अलावा गाइस फ्रंट कवर होता है और बैक साइड के सीट हैंडल वगैरह कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने ग्रैब रेल लगाए ताकि जो पीलन राइडर इस पर बैठे तो कुछ पकड़ सकते हैं, प्लस आगे पीछे करने के लिए भी सेफ रहता है और आपके सीट हैंडल भी सेफ रहते हैं, और ये भी एक तरीके की सेफ्टी पॉइंट को लेके इसको लगाया गया है। तो ये है ऑल अबाउट लुक आप लोगों की यामाहा R15 पर, और अगर आप लोगों के पास M वाला एडिशन है तो भी आप इस तरीके का वर्क करा सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इसकी साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगा रखा है, इसमें काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी वाली, तो ये तो हो चुकी कंप्लीट, और इसमें एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, बैक साइड में इंडिकेटर लगा रखे हैं KTM वाले, वो भी LED इंडिकेटर हैं, जिसमें आपको फोकस कुछ इस तरीके का मिलेगा, ये देख सकते हो आप। तो ये हो गई गाइस, और अब आपको दिखा देते हैं वाइट वाली कि वो कैसी तैयार हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वाइट वाली, और वाइट वाली यहाँ पर अपने सामने इसका एक बार इग्निशन ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं। तो पहले आप ऐसे ही चेक कर लो इसका लुक कैसा आ रहा है। इसमें भी टेनर वाले मिरर लगे हुए, सेम चीज़ है लगभग लगभग। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक विंगलेट लगा रखी है, और इसका इग्निशन ऑन करके और आपको दिखाते हैं इसका DRL का लुक कैसा आता है, ये देखो गाइस। तो ये जो है रेड कलर के हैं, अगर आप चाहो तो ये ग्रीन ले सकते हो, या फिर आप ब्लू ले सकते हो, येल्लो ले सकते हो, वाइट ले सकते हो। तो इसी तरीके से रेड लगाएं जो काफ़ी हाईलाइट हो रहा है वाइट कलर के हिसाब से, ठीक है जी। इसके अलावा इसके आइस के अंदर भी अगर आप इसमें हैजार्ड लगाना चाहते हो तो वो भी लग जाता है अंदर, और स्ट्रिप्स लाइट लगाई हैं कुछ इस तरीके से, जो अगर हम इसका हैजार्ड बंद करते हैं तो ये वाइट हो जाती है, इग्निशन ऑन पे वाइट रहेगा, इंडिकेटर दोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है जी। विंग लेट हो गई, अंदर रेडिएटर ग्रीन लगी हुई है, ये देख सकते हो। और इसी तरीके से टैनर वाले मिरर, जिसमें आपको इंडिकेटर का साइन मिलेगा, और साइड से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसके फेयरिंग के अंदर भी एम्बिएंट लाइट लगा रखी है ब्लू कलर की, जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है यहाँ से अगर आप देखोगे तो। वहीं यहाँ पर देखोगे तो बॉडी इंडिकेटर लगा रखे हैं कुछ इस तरीके से, फुल्ली वाटरप्रूफ। साइड स्टैंड जैकेट लगा रखी है, ये आगे इस जगह पे CNC में है, इसमें जंग नहीं लगता। और यहाँ पर क्रैश गार्ड लगा रखा है सेम अगेन जो आपने देखा था वहाँ पर, डबल स्लाइडर के साथ फुल्ली सेफ्टी और प्रॉपर फिटिंग के साथ। और अब यहाँ से भी देख लो इसका एक बार लुक, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, और रात में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये चीज़। और ये है आपके हैंडल बार का लुक कुछ इस तरीके से। बैक साइड में यहाँ पर अगेन ग्रैब रेल्स लगा रखे हैं, KTM वाले इंडिकेटर लगा रखे हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई गाइस की, ग्रैब रेल मैंने बताया था आपको कि जो है पकड़ने में भी काम आता है, प्लस बाइक को आगे पीछे करना है, और आपके सीट हैंडल वगैरह भी सेफ रहते हैं, ये देख सकते हो गाइस। तो ये है इसका कुछ मॉडिफिकेशन जो कस्टमर की चॉइस के हिसाब से मैंने आपको दिखाई, 3 यामाहा R15। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया गाइस, आज यामाहा R15 की 3 बाइक्स, ब्रांड न्यू बाइक्स, फुल मॉडिफाइड, जैसे कि मैंने आपको दिखाई सबसे पहले ब्लैक कलर की, फिर मैंने दिखाई आपको रेड कलर की, जिसमें काफी सारे काम थे जैसा कि आप देख पा रहे हो, हर बार कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो ये तो हो गई रेड वाली, अब आपको दिखा देते हैं व्हाइट वाली, फिर मिलाएंगे कस्टमर से। यहाँ पर ये व्हाइट ब्यूटी आ चुकी है, तो ये आप लोगों के लिए एक एग्जांपल रहेगा कि अगर आप लोगों की व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है, जो भी कलर है उस पर अगर आप मॉडिफिकेशन कराते हो तो कैसा लुक आता है निकल के। तो ये आप लोगों के लिए कंपेरिजन रहेगा। अगर ये भी जो है आप लोगों के पास नहीं है इसमें से कोई कलर, तो ऐसा है नहीं कि मैंने वीडियो ना बनाई, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने करना है प्लेलिस्ट चेक, और प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो बना चुका हूं मैं, चाहे आप लोगों के पास मॉन्स्टर एडिशन हो, हरी, नीली, पीली, काली, गुलाबी, कत्थई, जितनी तरह की भी बाइक्स हैं सबकी वीडियो बन चुकी हैं, एक स्कूटी से लेके नॉर्मल बाइक से लेके सुपर बाइक तक के सेगमेंट की सारी मॉडिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल में मिलेगी, उसके लिए आपको चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो गाइस आज के सिनेरियो में तो यही था, आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। गाइस इस तरह का काम करना चाहते हो तो आज तो दिल्ली करोल बाग नायवरन मार्केट 4 SKD बाइक वर्ल्ड, डुप्लीकेट शॉप कीपर सावधान रहना, क्योंकि काफी सारे लोगों ने डुप्लीकेट शॉप भी खोल रखी, जब भी आप आओगे एक बार कॉल कर लेना, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है या फिर मुझे देख लेना। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तो गाइस इस तरह वीडियो बनाने का मकसद ये है, भाई हमारे पास लेकर आ चुके हैं यामाहा R15, कहाँ से लेकर आए थे भैया? बिहार से लेकर आ चुके हैं बाइक, तो हमने लगा दी क्योंकि शॉप क्लोजिंग का टाइम हो चुका है, आई थिंक क्या टाइम हो रहा है 8:30-9 का टाइम हो रहा है, तो अब इनकी बाइक लगाकर यहाँ पास में होटल दिलाएंगे
और फिर अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे इसका काम शुरू होगा। तो कैसे आए थे, यूट्यूब पे आए थे या वैसे आए? वीडियो देखी थी। तो ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब भैया को मैं होटल रहा हूँ, थक गया हूँ। दूर से बाइक चला कर लाया हो या कैसे लाया हो? भाई चला कर लाया, फिर मैं इनकी बाइक भी दिखा देता हूँ आपको। और उसके बाद फिर ये रेस्ट करेंगे होटल में। सुबह 10 बजे हमारी दुकान खुल जाती है, आप लोगों को पता ही है, तब इनका काम शुरू होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी बाइक और क्या क्या काम हो रहा है। फिलहाल बाइक तो मैं आपको दिखाई देता हूँ आईडिया के लिए। तो भाई चलो आप आराम करो, है ना। तो गाइस एक यहाँ पर R15 है, एक यहाँ पर R15 है, और ये आप लोगों को पता है हमने ली है जस्ट। तो जो बाइक है इनकी, एक तो अपाची लेकर आए थे, एक R15। तो अपाची ये एक्चुअली है तो बिहार के, लेकिन इन्होंने बाइक परचेस की उत्तराखंड से। कल ही बात करेंगे कि ऐसा क्या था भाई। तो एक यहाँ पर है, और जो R15 लेकर आए हैं वो ये वाली है। अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं भी राइड करके आया हूँ, तो पूरी बाइक गंदी हो रखी है। तो ये आ गई इनकी बाइक यामा R15 M TFT डिस्प्ले वाली, और इस पर कल काम शुरू करेंगे। तो गाइस चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका काम। नेक्स्ट डे काम शुरू हो चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि R15 में जो बिहार से उसमें क्या क्या काम है, प्लस और कौन कौन सी बाइक्स यहाँ पर अभी आ रखी है। तो जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जो मेरी शॉप है, रियल शॉप, वो इंडिया मोटर के साथ में पड़ती है। बाकी अभी के सिनेरियो में जो बाइक्स यहाँ पर आ रखी है, जैसे कि आप देखोगे तो एक्सट्रीम 160 यहाँ पर आई हुई है, BMW G310 R आई हुई है, MT15 जिसमें अभी काफ़ी सारे काम और होंगे। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो एवेंजर में काम चल रहा है, MT है यहाँ पर ब्रांड न्यू आई हुई है, R15 जस्ट अभी आई हुई है। और इस MT में आप देखोगे तो इसमें टॉपरक वगैरह, इसके अलावा यहाँ पर शार्क पिन मडगार्ड, से रियर फेंडर मडगार्ड कहते हैं, वो भी ऐड हो चुका है। क्रैश गार्ड भी इसमें लग चुका है, इसमें PPF का काम शुरू हो चुका है, और इसी तरीके से इसमें PPF मैट वाली हो रही है। और अगर आप लोग ग्लॉस में चाहते हो तो ग्लॉस में कर सकते हो। जो अंदर वाली बाइक है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आगे जो बिहार से आई हुई थी, इसमें ग्रैब्रेल वगैरह हो गया, PPF लेमिनेशन हो गई, TNR मिरर हो गया, कार्बन हो गया फ्रंट, बबल वाइजर हो गया, फोर प्रोटेक्शन, फोर स्लाइडर्स, काफ़ी अलग अलग इसमें चीज़ें इस बार करने वाले हैं, काफ़ी अलग होगा लुक। और इसमें रेडिएटर ग्रिल वगैरह, फॉग लैंप्स, तो सारा काम अभी इसमें चल ही रहा है, तो इसका कंप्लीट पे दिखा पाऊंगा आपको। फिलहाल ये देखो लुक, क्या तो लुक है। काफ़ी सारी चीज़ें तो इसमें ऐड हो चुकी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसमें नई और ऐड कर रहे हैं, जैसे कि इसमें विंग्स लाइट, ऊपर वाली लाइट जैसे कहते हैं, तो वो इसमें लगा रहे हैं। बाकी विंग्स लग चुके हैं इसमें, स्पॉइलर ये काफ़ी अलग तरीके के इस बार लगाए मैंने, आप लोग बोर हो चुके होंगे वाले देख देख के, तो ये नया अपग्रेड है आप लोगों के लिए। फाइनल रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा, एक अभी नॉर्मली इग्निशन करके हल्की झलक आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, और अभी इसमें एक चीज़ का और कॉम्बो लगा रहे हैं, टैंक पैड थाईपैड का, फोर यामाहा R15 कलर टू कलर मैच, बहुत ही यूनिक लुक। टैंक पैड एंड थाईपैड का कॉम्बो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सेट है, ठीक है। ये थाईपैड्स आ गए, ये आ गया प्रॉपर फिटिंग के साथ टैंक पैड, ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगा। तो इसे और लगा लेते हैं और फिर आपको फाइनल दिखा देता हूँ मैं इसका एक्चुअल में लुक कैसा आता है। यामाहा R15 M का फाइनल रिजल्ट चेक करा रहा हूँ कि फाइनल मॉडिफिकेशन कैसी निकली है। काफ़ी सारी चीज़ें अलग है इसमें जो आप लोग इस बार नया एक्सपीरियंस करोगे, और अपने R15 के किसी भी एडिशन में आप ये सेम वर्क कर सकते हो। तो चेक करो, तो सबसे पहले गाइस यहाँ फ्रंट में आप देख सकते हो इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अलग लग रहा होगा। रीज़न ये है कि हमने इसमें कार्बन का टच दिया है, ये चेक कर सकते हो, जो कार्बन फाइबर इसमें लगाया है रैपिंग वाला, वो हमने लगाया ग्लॉस में, जो काफ़ी प्रीमियम टच दे रहा है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि डिप है लेकिन काफ़ी अच्छा है, ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है जी। और कार्बन का
ये है कि आप इसको हटा भी सकते हो, ये नहीं है कि आप लोगों ने इसमें लगा दिया लगा दिया, ये पूरी बाइक भी कार्बन करा सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला फ्रंट का छोटा सा पार्ट कार्बन में ले लिया हमने एक थीम को क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर टेना स्टाइल वाले मिरर हो गए, और इस मिरर में आपको दिखाना चाहूँगा आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। और हमने जो इसमें हैजार्ड सेटअप लगाया है जिसके पैटर्न को चेंज करने के लिए आप इंडिकेटर वाले बटन को दाएं बाएं बीच में दबाओगे, लेफ्ट राइट बीचे प्रेस या फिर राइट लेफ्ट बीचे प्रेस, तो ये पैटर्न चेंज कर देता है, ठीक है। या फिर आप इस वाले स्विच को भी ऑन ऑफ करके इसके पैटर्न को चेंज कर सकते हो। तो ये देख सकते हो इसमें पैटर्न एक्टिवेट हो चुके हैं, इसमें आपको मिलेंगे 23 पैटर्न अराउंड, और इसका फोकस भी देख सकते हो आप, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें इस वाले मिरर में एक फ़ायदा ये मिलता है आप इसके व्यू को सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके जैसे कार में करते हो, तो कुछ वैसा ही कुछ टच आएगा इसमें, ठीक है जी। इसके अलावा गाइस इसको फोल्ड भी कर सकते हो इस तरीके से। और वहीं हमने इस पर और चीज़ लगाई है, वो है यहाँ पर लीवर गार्ड्स। तो ये है आपके कंपनी के लीवर डैमेज ना हो तो इसके लिए यहाँ पर लीवर गार्ड्स लगा रखे हैं। बाकी जिन लोगों को ये वाले लीवर चेंज कराने हैं तो वो भी मिल जाएंगे मेरे पास कुछ इस तरीके के, आपको दिखाना चाहूँगा मैं कहाँ गए, इधर आ गए। तो इस तरीके के लगाने हो तो ये भी लग जाएंगे, CNC में होते हैं ये भी काफ़ी अच्छे, CNC कटिंग में होते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब आपको और चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो इसका स्क्रीन, तो ये स्क्रीन तो वही है लेकिन हमने इस पर टेम्पर्ड लगाया, जैसे फ़ोन का टेम्पर्ड आता है तो वैसे ही आपके जो है मीटर का टेम्पर्ड हो गया, स्क्रैच वगैरह नहीं लगते हैं। बबल वाइजर यहाँ पर लगाया है ब्लैक कलर का जो काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने आप में, और यहाँ से ये लुक इसकी काफ़ी ज़्यादा बल्कि आ रही है। विंगलेट से यहाँ पर लगाई है छोटी सी स्पोर्टी लुक देने के लिए, और अंदर लगाया रेडिएटर की। और यहाँ साइड में अगर आप देखोगे तो प्रोटेक्शन की चीज़ें लगा रखी हैं, जैसे कि फोर्क प्रोटेक्शंस एंड फोर्क स्लाइडर्स। तो ये जो कॉम्बो है ये आपका जो सस्पेंशन वगैरह हो गया, व्हील वगैरह हो गया, इसकी लुक को एनहांस करता है और सेफ्टी भी करता है। ये देख सकते हो आप प्रॉपर वाली कलर इसमें ब्लू लगाया है क्योंकि ब्लू का टच ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी आप चाहो तो सिल्वर भी लगा सकते हो, ब्लैक भी लगा सकते हो, ग्रीन भी लगा सकते हो। एम्बियंट लाइट यहाँ पर लगाई है जिसके साथ रिमोट मिलता है, चेंज कर सकते हो। मैंने अभी इसको ऑटोमेटिक पर कर रखा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये चीज़ भी। यहाँ से देखो गाइस एम्बियंट लाइट का लुक मैं आपको थोड़ा फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा जो साइड में हमने स्पॉइलर यानी कि विंग्स लगाए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो अभी तक आप देखते हुए आ रहे थे वो ये वाले थे जिन्हें बहुत ही ज़्यादा बल्कि लुक देना है उनके लिए है ये। और अभी जो लगाए वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये देख सकते हो आप इसमें फ़र्क कितना है। अगर इसके ऊपर से चाहोगे तो ये लग जाएंगे। तो ये वाले तो आपने काफ़ी सारी वीडियो में देख ली, इस बार मैंने चेंज कर दिया है। अभी जो मैंने यहाँ विंग्स लगाए हैं इसमें काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे लेकिन वाइट काफ़ी अच्छा लगा इसलिए हमने ज़्यादा चेंजिंग नहीं करे इसमें। ये जो है आपके इंडिकेटर के जस्ट पीछे से आ रहे हैं, ये इंडिकेटर अगर लगाते हो तो इसके अंदर ही आ जाएगा पूरा, ये भी चीज़ होता है। अब अगर आप ये लगा रहे हो और आपको इंडिकेटर चेंज कराने तब भी हो जाएंगे, छोटे वाले इंडिकेटर लगाओगे तो और ज़्यादा यूनिक लुक आएगा, तो वो आप लोग देख लेना। बाकी इसका भी काफ़ी अच्छा आ रहा, ज़्यादा बाइक चौड़ी नहीं हुई है लेकिन हाँ लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गया है बाइक का। ये देख सकते हो, ये यहाँ से चेक कर सकते हो आप। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि विंग्स है, विंग्स वाली लाइट भी हमने लगाई है ब्लू कलर की। ये देखो इसके लिए मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करूँगा तब पता चलेगा। तो ये देख सकते हो आप, अभी इसमें ब्लू कलर की इसलिए लगाई क्योंकि ब्लू कलर का ही ये काफ़ी ज़्यादा इसमें टच है, जैसे कि इसके व्हील वगैरह हो गए। जिस बाइक की थीम है वो ब्लू एंड सिल्वर की है, सिल्वर तो आती नहीं है आप लोगों को पता ही है, तो ब्लू यहाँ पर लगा दिया। अब आप इसकी चेक कर लो लुक, काफ़ी ज़्यादा गदर आ रही है देखो इस। और जब बाइक सीधी करोगे, जब हल्की सी बाइक चलेगी तो ये हल्का सा ना जब वाइब्रेशन होगा एक बार बैठना तो ये प्रॉपर वाला पर वाला लुक देगा। ये देखो अभी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो आप लोगों को, इसमें बड़ा करना है आगे पीछे करना है तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें अपने हाथों से ही आप खुद स्वयं कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये इस तरीके से हो जाता है एडजस्ट, ठीक है। तो ये आ गया इसका लुक इस तरीके से। अब मैं आपको बाकी की चीज़ें भी और दिखा देता हूँ। तो विंग्स वाली लाइट देखने के बाद आप थोड़ा सा और पीछे आते हैं और आपको दिखाते हैं PPF लेमिनेशन। तो फुल बाइक को हमने PPF लेमिनेशन किया है, वो भी ग्लॉस में, जिसमें जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ PPF हो चुकी है, जैसे कि इसका फ्रंट का मास हो गया, मडगार्ड हो गया, साइड पैनल्स हो गया, टैंक हो गया, पीछे के सीट हैंडल्स वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें PPF में हो गई कवर, ठीक है जी। फ्रंट का आपने देख लिया काफ़ी क्लीन लुक आ रहा है। अब दोबारा से टैंक पर आके आपको दिखाना चाहूँगा स्पेशली यामाहा R15 फिटिंग के साथ टैंक पैड थाई पैड का कॉम्बो, और आप देख लो कलर टू कलर मैच है। इसे डॉट डॉट देख रहे हो, ये ग्रिपिंग के लिए अच्छे रहते हैं, राइडिंग के दौरान काफ़ी अच्छी पकड़ रहती है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये इसका टैंक पैड, ये प्रॉपर यामाहा की ब्रांडिंग के साथ आपको मिलेगा। MT15 के मिल जाएंगे, हर बाइक के अलग अलग मिलेंगे, तो ये काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहे हैं यहाँ से इसको। और यहाँ पर हमने अगली चीज़ लगाई है क्रैश गार्ड डबल स्लाइडर के साथ,
ये देख सकते हो डबल स्लाइडर है, क्रैश गार्ड लगाया है, जो एम्बियंट लाइट आगे आप देख रहे हो वो यहाँ पर भी हमने लगाई है इस जगह पर, जो रात में काफ़ी औसम लगेंगी। अभी बाहर ले जाकर भी देखेंगे कैसा लुक आता है इसका। तो क्रैश गार्ड जो है डबल स्लाइडर साथ प्रॉपर फिटिंग के साथ, इनकेस कभी गलती से ही बाइक गिरता तो आपका जो है फेयरिंग वगैरह डैमेज नहीं होगा। अब आपको अगली चीज़ दिखा देता हूँ मैं, इसकी जो सीट कवर्स है ये कैसे हैं और क्या इसका सीन है। इसका सीन ये है कि इसमें कुशनिंग करके कवर लगाया गया है मशीन से प्रॉपर, कहीं रिंकल नहीं आएंगे, धागे वाली नहीं है। कलर जो आप चाहो वो ले सकते हो, अभी तो फिलहाल ब्लू एंड ब्लैक का टच है, आप सिल्वर ले सकते हो, रेड ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, तो ये डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पे। यहाँ पर लगाया है हमने ग्रैब रेल और ये काफ़ी अच्छे रहेंगे रिपीलियन राइडर के लिए, इसको पकड़ सकते हैं या फिर आगे पीछे कर सकते हो, प्रॉपर फिटिंग के साथ है। शार्क पिन मडगार्ड इसलिए लगाया था कि मिट्टी आप देख रहे हो ना यहाँ पर, अब यहाँ पर मिट्टी नहीं आएगी क्योंकि शार्क पिन मडगार्ड लग गया, जिसे रेयर फेंडर मडगार्ड भी कहते हैं। व्हील कवर लगाए हैं फुल वाले हमने बैक साइड एंड हाफ वाले आगे साइड, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए राइडिंग के दौरान, एयर इंटेक वगैरह जो है वो अच्छा रहे, तो इसीलिए आगे हाफ आप चाहो तो आगे फुल लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यह है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी, क्योंकि डिस्प्ले वगैरह होती है तो फुल का लुक आता है इसमें। तो ऑल अबाउट जो है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है बाइक, और अभी इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जॉस्ट लगा के दिखाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी यामाहा R15M की। तो गाइस अब मैं ले आया हूँ उसको शॉप के बाहर, और ये चेक करो इसका लुक नाइट में कैसा आ रहा है। तो ये तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाई चुका हूँ और ऑल अबाउट सारा काम हो गया कंप्लीट, भाई भी तैयार है जाने के लिए। भाई बात कर रहे हैं कहाँ जाना है। तो भाई कैसा लगा काम वगैरह? काम बढ़िया लगा भाई जी, एकदम लाजवाब, फर्स्ट क्लास। सच बताऊँ तो भाई हमारे पास आए, गाड़ी खड़ी करी, चले गए, फिर सुबह आए, फिर चले गए, और अब आए कह रहे गाड़ी दो दो बस जा रहे हैं। ये बात है बिल्कुल। तो अभी यार क्या है, मेरा माइक थोड़ा सा खराब हो गया है तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया प्रॉपर, बाकी काम जो भी हुआ है भैया कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया हुआ है। बाकी एक बार ये बता दो, जो आप इतनी दूर से आए हो तो तुम्हारा आना कामयाब रहा नहीं रहा? बहुत सही है, सक्सेसफुल है बिल्कुल। और अपनी दो बाइक लेकर आए थे, अपाची भी लेकर आए थे, एक बार आप बता दो काम कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया लगा। मुझे लग रहा है तुम्हारे एरिया की सबसे पहली R15 होगी है नी? तुम्हारे एरिया में ऐसी R15 किसी ने तैयार नहीं करी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने नई लगाई है जो हमारे इस चैनल पर भी अभी फर्स्ट टाइम ही है। जैसे कि ये वाले जो विंग्स है ना, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं भाई। और बाकी नेक्स्ट टाइम कौन सी बाइक लाने के लिए कह रहे थे आप? SP125। चलो भाई उसका वीडियो भी डालेंगे। तो अभी के सिनेरियो में तो ये था गाइस, तो ऑल अबाउट सेटिस्फाई हैं सब आप। अब कहाँ जाओगे? सीधे बिहार से? नहीं उत्तराखंड। उत्तराखंड भाई मैं बता दूँ आपको, उत्तराखंड का नंबर क्यों है ये बताएंगे? आप बता रहे हो बिहार के हो तो नंबर उत्तराखंड का क्यों लिया? क्योंकि उत्तराखंड में ये जॉब करते हैं ऐसा इन्होंने बताया था, यही बात है। तो अब वहाँ से पहले तो यहाँ से उत्तराखंड जाएंगे, फिर वहाँ से अपने गाँव जाएंगे, यानी कि बिहार जाएंगे, है नी? बिहार किस जगह रहते हो? मुजफ्फरपुर। चलो भाई अगर आप लोग भी आना चाहते हो आ सकते हो अपनी शॉप पर, डुप्लीकेट शॉप सावधान रहना, मेरी जो शॉप है SKD बाइक वर्ल्ड करके, और नंबर स्क्रीन पर आ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो तक, टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, आज की वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यामाहा R15M 2024, यानी कि न्यू वाला मॉडल और बिल्कुल न्यू बाइक है जिसका अभी नंबर भी नहीं आया हुआ, और इसमें मॉडिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, चाहे आप लोगों के पास वर्जन 3 हो, 4 हो या फिर M हो, सबकी वीडियो है। MT15 का अलग है, हर बाइक की नॉर्मल बाइक से लेकर सुपर बाइक तक की सारी वीडियो आपको मिलेंगी हमारे इस चैनल पर, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले इसमें ग्रैब रेल लगाया हमने ताकि आपके सीट हैंडल सेफ रहे, प्लस आगे पीछे करने में आपको ईजी रहे, काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है ये भी। इसके अलावा गाइस ये लुक भी देख लो कितना ज़्यादा बल्कि आ रहा है। शार्क पिन मडगार्ड इसमें लगाया जा रहा है, ये देख सकते हो, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे काम चल रहे हैं, जैसे कि इसमें क्रैश गार्ड की इंस्टॉलेशन चालू है, और वहीं यहाँ पर एग्जॉस्ट का कवर लगाया जाएगा। जिन लोगों को एग्जॉस्ट नहीं चेंज कराना तो कवर लगा सकते हो, साथ ही में इसमें चेन कवर हैवी वाला, क्योंकि जो कंपनी का आता है प्लास्टिक का आता है, तो यहाँ पर मेटल वाला हैवी वाला लगा रहे हैं। क्रैश गार्ड कुछ इस तरीके का डबल स्लाइडर के साथ है। PPF लैमिनेशन पे भी इसमें काम चल रहा है, साथ ही में फ्रंट में अगर आप देखोगे तो इसमें विंग्स वगैरह लगा रखे हैं, स्पॉइलर जैसे कहते हैं, और फ्रंट में देखो विंगलेट हो गई, रेडिएटर ग्रिल, फोर्क प्रोटेक्शन, फोर्क स्लाइडर्स। तो अभी जो है काम सारा प्रोसेस पे ही है, कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। बाकी ये न्यू वाला मॉडल है, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार, कितना बल्कि आ रहा है, और विंग्स लगाने के बाद जो इसकी खूबसूरती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो चुकी है। और इसी तरीके से आप लोगों को मैंने बताया था, नॉर्मल लाइफ से लेके सुपर आई तक का सारा काम करा सकते हो अपनी शॉप पर गाइस, जो कि मिलेगी दिल्ली के करोल बाग नए वाला मार्केट 4 SKD बाइक वर्ल्ड। अभी आपने एक R15M देखी, अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, और उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त सी मॉडिफिकेशन है, तो वो मैं आपको और चेक कराता हूँ कि वो कैसी है, और फाइनल भी दिखाऊंगा आपको।
तो इस वाली में अगर आप देखो तो टेल टाइडी इसमें लग चुकी है, जिसमें इंडिकेटर जेन्युइन वाले लगा दिए, मतलब ज्यादा टेल टाइडी लगाने के बाद इंडिकेटर चेंज करने पड़ते हैं, बट इसमें जेन्युइन इंडिकेटर। और आप लोगों को पता है ब्रांड न्यू बाइक यहाँ पर ही अपने पास आ रखी है। ग्रैबरेल इसमें लग चुके हैं, इसके अलावा सिमटेक हैजार्ड, इसमें आपको 22 तरीके के पैटर्न मिलते हैं अलग अलग इंडिकेटर के, तो वो इसमें इंस्टॉलेशन चल रही है। टैंक पैड लग चुका है, पीपीएफ की जो है कोटिंग भी इस पर हो चुकी है, और मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से। अभी आप देखो इसमें क्रैश गार्ड की इंस्टॉलेशन चल रही है, फोर प्रोटेक्शंस लग चुके हैं, और रेडिएटर ग्रिल भी लग चुकी है, फॉग लैंप्स लग चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीपीएफ की कोटिंग, तो ये फाइनल लेयर उतरेगी इस तरीके से और चमक आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर फोल्डिंग वाले लीवर लग चुके हैं, इसके अलावा लीवर गार्ड्स लग चुके हैं, की का कवर एंड बबल वाइजर। तो इसी तरीके से इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हैं, जैसे कि साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी इसमें लग चुका है। तो अभी इसमें और 4-5 चीज़ें और लगेंगी, फिर आपको इसका फाइनल रिजल्ट चेक कराता हूँ। जो आप बाइक सामने देख रहे हो, जो फाइनल रिजल्ट है, वो काफी ज्यादा किलिंग आ रहा है। और इसमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो दूसरी R15 थी, यहाँ पर दूसरी वाली आ चुकी है। इसमें काफी ज्यादा अलग काम हुए हैं, काफी ज्यादा रेयर काम हुए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू यहाँ पर बाइक है, भाई की बाइक थी यहाँ पर। कहाँ से आए थे भैया? वैसे हम भी रिठाला रोहिणी से आए हैं। रिठाला रोहिणी से। चलो भाई, कैसी लगी बाइक एक नजर में? एक प्यारी लग गई, मजा आ गया देख के। तो काफी अच्छी लग रही पर्सनली मुझे भी। वैसे इसमें काफी ज्यादा भी काम है, और इसमें कुछ बेसिक से काम ऐसे होते हैं जो बंदा सबसे पहले कराता है वो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है, जैसे कि एग्जॉस्ट वगैरह एंड टैनर वाले मिरर। लेकिन इसको अगर एक साइड में रखते हैं तो बाकी सारी चीज़ें इसमें ए टू जेड सारी ऐड कर रखी है। तो स्टार्ट करेंगे हम, चलो फ्रंट से ही कर देते हैं। तो यहाँ पर लगा रखा है बबल वाइजर, जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, क्योंकि ब्लैक 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 ब्लैक, तो पूरी ब्लैक की थीम है। जैसे कि बबल वाइजर यहाँ पर आ गया, विंगलेट यहाँ पर आ गई, ठीक है जी, और उसी के साथ में यहाँ पर विंग्स स्पॉइलर, जो काफ़ी ज़्यादा एक हैवी लुक दे रहे हैं इसको। ये देखो गाइस, तो R15 पर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम इस पर ना कर सके हो या ना अभी तक किया हो, सब कुछ करते रहते हैं और आप लोग शेयर करते रहते हैं। तो जो ये स्पॉइलर है, ये ब्लैक कलर के, काफ़ी ज़्यादा रेयर लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा किलिंग आ रही है इसके भी लुक। ये देखो गाइस, काफ़ी हैवी मतलब लुक बन चुका है। और यहाँ पर जो विंगलेट है, ये पूरा एक सुपर बाइक का टच दे रहा है यहाँ से देखो। तो ये साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये साइड से इस तरीके से लुक आ रहा है, फ्रंट से ये वाला लुक आएगा, और अभी इस साइड से भी आपको दिखाई देता हूँ लगे हाथों। ये देखो, और अगर आप चला रहे हो तो कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा आपको हैंडल बार पर ऑल अबाउट। तो पूरी टॉप नॉच मॉडिफिकेशन इसमें हो रखी है। तो विंग्स के अलावा इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि फोर प्रोटेक्शन, सिक्स फोर स्लाइडर्स, इसमें ब्लू कलर की थीम ली गई है अलॉय व्हील के हिसाब से, जो बाइक का थीम है उसके हिसाब से। पीपीपी लेमिनेशन 3 लेयर वाली मैंने आपको दिखाया था, तो वो भी इस पर कोटिंग हो चुकी है। तो प्रोडक्शन जो है सस्पेंशन की प्रोडक्शन के लिए है, बेसिकली रेडिएटर ग्रिल लगाओ, इसमें कभी जंग नहीं लगेगा। साथ ही में हिडन लगाई है फॉग लैंप्स, जो कि अंदर की तरफ है, आप देख सकते हो। इग्निशन ऑन करने से पहले आपको दिखा दूँ, इसका जो की का कवर है ये भी इसमें चेंज किया गया, यानी कि जो की पे ऊपर जो है CNC का कवर लगाया है ब्लू कलर का, तो हमने इसे ऑन कर दिया है। ये है इसका स्विच, ये देखो इसमें एक तो आपको वाइट का फोकस मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, इतना पता नहीं चलेगा सामने से कि इसमें अपने फॉगलेट वगैरह लगा रखी है, लेकिन फोकस पूरा मिलेगा। और एक इसमें कलर हो रहा है येलो का, जो सामने आप देख पा रहे हो। ये देखो गाइस, तो येलो एंड वाइट का जो फोकस है, जो काफ़ी ज़्यादा किलिंग है और काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, और R1M वाला लुक आ जाता है यहाँ से, पता भी नहीं चलता। तो फ्रंट इसका पूरे पूरा चेंज हो चुका है। इसके अलावा लीवर लगा रखे फोल्डिंग वाले का भी, मान लो बाइक गिरती भी तो आपके टूटेंगे नहीं, इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे। यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ से भी स्विच कर सकते हो आप, और कलर कॉम्बिनेशन भी आप इस हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आ गया आपके लीवर गार्ड, तो ये भी इसकी लीवर की प्रोडक्शन के लिए होते हैं, कार्बन का टच एंड ब्लू का टच है। पीपी मैंने आपको बताया था, इसके अलावा टैंक पैड थाई पैड का पूरा कॉम्बो लगा रखा है, ग्रिपिंग के लिए भी है, स्क्रैचेस वगैरह आ जाए उसकी प्रोडक्शन के लिए भी है। और यहाँ पर साइड स्टैंड जैकेट, जिसे साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी कहते हैं, तो ये भी लगा रखा है। और अगली चीज़ हमने लगाई है क्रैश गार्ड, जिसको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ दूर से देखो, तो काफ़ी लोडेड वाली जो है बाइक लग रही है। ये क्रैश गार्ड जो है स्पेशली फिटिंग फॉर R15 का है, ऐसा नहीं है किसी और बाइक का। जिस तरीके से इसकी अंडर वैली है, उसी डिज़ाइन से इसको किया गया है, डबल स्लाइडर के साथ है। अब अगर बाइक गिरती भी है तो आपको यहाँ किसी भी तरीके का स्क्रैचेस वगैरह डैमेज वगैरह नहीं आएगा, प्रॉपर वाला है ये, हैवी वाला। दोनों साइड से भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये आगे से क्रैश गार्ड, इस साइड से भी, ठीक है जी। सीट कवर विद कुशनिंग, और वो भी ब्लू एंड ब्लैक के साथ, इसके अंदर जो सीट है वो भी इसमें लग चुकी है, और ये काफ़ी कम्फर्टेबल रहता है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर सीट कवर भी लगाया है, जो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हो आप। इसमें रेड भी मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाएगा, बाकी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है सिल्वर कलर का। ग्रैब रेल्स इसलिए हैं, सीट हैंडल ना डैमेज हो, आगे पीछे करने में आसानी रहती है, जो पीले राइडर बैठेंगे उसे पकड़ भी सकते हैं। एंड यहाँ पर जो मिट्टी आप देख रहे हो अंदर, इसकी प्रोटेक्शन के लिए शार्क पिन मडगार्ड, जिसे रेयर फेंडर मडगार्ड भी कहते हैं, एंड टेल टाइडी स्पोर्टी लुक के लिए वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। मिट्टी वगैरह नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ही उठा रखा है, बट यहाँ पर ये लगा रखा है, तो ये इसलिए आएगा। नंबर प्लेट आप लोगों की इस पर लग जाएगी इजिली। इंडिकेटर ओरिजिनल वाले लग चुके हैं। तो यहाँ पर आ गया आपकी मास्टर सिलेंडर कैप,
वाली, ये आ गई फ्रंट वाली, ये आ गई आपकी रेयर वाली, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है यार। यहाँ पर देखो मोबाइल होल्डर, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का, वो भी बोबो का। तो ये हो गया इसका कुछ इस तरीके से ऑल अबाउट लुक। सर जो आपने वीडियो देखी यामाहा R15M की, से मैंने आपको दो यामाहा R15M दिखाई है, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखी है, लास्ट में देखी। तो लास्ट वाली वाकई काफ़ी ज़्यादा किलिंग मशीन तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मॉडिफिकेशन की गई है। अब ये मॉडिफिकेशन कराने के लिए आपको सिंपली आना है हमारी शॉप पर, जो कि मिलेगी दिल्ली के करोल बाग नए वालन मार्केट SKD बाइकवर्ल्ड के नाम से, और हरदयान सिंह रोड पर अपनी शॉप है। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने और भी शॉप खोल रखी है, लेकिन वो हमारी नहीं है, डुप्लीकेट नाम से। हमारी जो SKD बाइकवर्ल्ड से लिखा होगा वही हमारी शॉप होगी। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना, एक बार कॉल कर लेना, जहाँ पर भी आप करोल बाग में आओगे वहाँ पर आपको पिक कर लिया जाएगा, या फिर आपको एग्जैक्ट लोकेशन दे दी जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी लोकेशन मिलेगी आपको इजीली, डिस्क्रिप्शन खोलोगे उसमें लोकेशन लिखा होगा, वो आप इस पर क्लिक करके आ सकते हो। मेरे चैनल पर मैंने वीडियो डाल रखी है जो स्पेशली फॉर लोकेशन के लिए बनाई गई है, जिस पर हनुमान जी की बड़ी सी फोटो लगी है उस थंबनेल के ऊपर, तो वो वीडियो देख के भी आप शॉप पर आ सकते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। तो गाइस अभी जो आपने जितना भी ट्रेलर देखा है अभी स्टार्टिंग में, इसमें कम से कम 8 से 10 R15 है, जिसमें R1M, V4 अलग अलग कलर, जैसे कि ब्लू वाला हो गया, सिल्वर ग्रे वाला हो गया। तो इसी तरीके से इसमें सारी R15 पर मॉडिफिकेशन करी है, और ये कम से कम 8 से 10 R15 जो मॉडिफिकेशन की है, इसका दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों के पास भी इस सेगमेंट का बाइक है तो आप लोगों को किस तरीके की मॉडिफिकेशन करानी चाहिए। आपने सिर्फ लीवर गार्ड लगवाने हैं तो वो भी मैंने इसमें वीडियो ऐड कर रखा है, फुल मॉडिफिकेशन करानी है तो वो भी कर रखा है, A to Z, 1 to All। ये इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इसमें आप वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये कंप्लीट मॉडिफिकेशन होने वाली है। और हमारे पास जो R15 MT जितनी बाइक्स वगैरह आती हैं वो किलो के हिसाब से आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भर भर के आती हैं। और सबकी वीडियो अगर मैं बनाऊँगा डालूंगा, क्योंकि इतनी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन ही नहीं जा पाएगी, इसलिए जो बेस्ट वीडियो होती है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। प्लेलिस्ट देख लेना एक बार, बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, चाहे वो कोई बाइक हो। तो इसी तरीके से आप लोगों ने काम करवाने के लिए आना अपनी शॉप पर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, जब भी आप आओगे तो एक बार कॉल कर लेना या फिर मुझे देख लेना, क्योंकि डुप्लीकेट शॉप काफ़ी सारी खुल चुकी है हमारी मार्केट में। तो जब भी आप लोगों ने आना एक बार मुझे देख लेना और आप कॉल कर लेना, ताकि आप रियल और ऑथेंटिक शॉप पर आ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। R15 V4 यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, दोनों ब्लू हैं। आपने M देख ली, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें विंग्स वाले मिरर लगा रखे हैं, जिन लोग 10R वाले मिरर नहीं लगाते तो उसके अलावा एक ये वाला ऑप्शन होता है, तो ये मिरर होगा इसमें, इसमें ठीक ठाक है, इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा तो नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों मास्टर सिलेंडर के बॉक्सेस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हर बंदा लगा रहा है, इसमें सिर्फ ऑयल डालना बाकी है, काफ़ी सारे लोग स्टिंग डालते हैं। अब इसका क्या सीन है, जिन्हें हाइड्रोलिक नहीं लगाना तो वो इस तरह की चीज़ लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह इसमें लग रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये फुल लोड है, इसमें सारी चीज़ें हैं। पर इसमें DRL है, अब इसके अंदर जलेगी लाइट, वो भी अलग अलग तरीके से, तो लाइट का कलर आपका सेम ही रहेगा, यानी कि ब्लू, जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज होती रहेगी। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया आपका DRL का। इसके अलावा 4 प्रोडक्शन 4 स्लाइडर्स में लगाए गए हैं, रेडिएटर ग्रिल लगाई है, बबल वाइजर हो गया, 10R वाले मिरर, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट टाइम लगी थी। अभी इसमें जो है थाई पैड्स वगैरह लगे हैं, लीवर गार्ड हो गया, और क्रैश गार्ड लगा था, और यहाँ पर लगी है विंग्स वाली लाइट, इसका यहाँ पर है स्विच, ये देखो। अभी दिन में इतना पता नहीं चलेगा, रात में काफ़ी अच्छा है। बाकी शॉप के अंदर काफ़ी क्राउड है, वरना मैं इसको ले जाकर भी दिखाया था, बाकी आप मेरी और वीडियो देख लेना। तो ये विंग्स वाली लाइट हो गई, फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, एक्रोपब्लिक का ग्रैब रेल, और एक्रोपब्लिक का साउंड सुना देते हैं DB कलर के साथ। अभी DB कलर के साथ भी इसका साउंड काफ़ी लाउड है। इसके अलावा यहाँ पर बॉडी इंडिकेटर कह सकते हो आप, फ्लैट इंडिकेटर ऑफ कर दो उसको, ठीक है, वो लगा रखे हैं प्रॉपर वाले, जो काफ़ी ब्राइट है। अभी दिन में भी देख लो, अभी दिन का टाइम है और फिर भी ये कितने विजिबिलिटी है इनकी। यहाँ पर स्लिम से LED इंडिकेटर लगा रखे हैं, तो ये तो हो गई। और ये भाई हमारे पास लास्ट टाइम भी आए थे, अभी दोबारा काम करवाने आए हैं, कैसा लगा भैया काम वगैरह? बहुत बढ़िया काम लगा मुझे, करा रहा हूँ पहले भी मैं करवा के ले सोच समझ के, थोड़ा थोड़ा काम कराने का कारण ही होता है, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हल्के हल्के मॉडिफाइड करेंगे और कुछ नया आ जाएगा, फिर भाई की वीडियो देख के फिर दोबारा उसको ऐड करेंगे। तो ये वाली चीज़ भी है, बाकी इसमें बॉडी इंडिकेटर लगा रखे हैं, भाई भी आए हुए थे, कैसा लगा फिर काम वगैरह? ये बहुत अच्छा काम लगा, ठीक है, परफेक्ट है। अगली बार क्या करोगे? अगली बार इसका देखते क्या चेंज होता है, आपको सब कुछ करा ही दिया। तो ये हो गया भाई V4 की। गाइस वैसे तो काफ़ी सारी R15 अपने पास आती रहती है मॉडिफिकेशन के लिए, जो कि अभी आपने देखी रहे इस वीडियो में। तो एक ये है, एक यहाँ पर अभी जस्ट मॉडिफाइड होकर आई हुई है, एक यहाँ पर है, इसमें ग्रैब रेल वगैरह लगे हुए हैं, वाइजर हो गया, लीवर हो गए, और एक वहाँ पर है ब्लू, एक यहाँ पर है रेड। तो रेड वाली अभी देख लो, PPF लेमिनेशन वगैरह इसमें की गई है। ये स्विच आ गया इसका फॉग लाइट का, यहाँ पर ये फॉग लाइट लगा रखी है अंदर नीचे की साइड में, जो बहुत ही ज़बरदस्त फोकस इसका, ये देखो गाइस, और इसमें वाइट का फोकस ही मिलेगा। इसके अलावा 4 प्रोटेक्शन एंड 4 स्लाइडर्स की फिटिंग लग चुकी है इसमें, अब जो है सिर्फ स्लाइडर्स को टाइट करना है। इसके अलावा 4 प्रोटेक्शन लग चुकी है अंदर, जो आप देखोगे रेडिएटर ग्रिल,
और यहाँ पर देखोगे तो बॉडी इंडिकेटर हो गया, डबल स्लाइडर के साथ क्रैश गार्ड प्रॉपर वाला यहाँ पर लग चुका है, और इस साइड से भी दिखा देता हूँ, ये लग गया। अब यहाँ पर ये स्लाइडर टाइट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। अंदर एम्बियंट लाइट लगाई है जो कि नाइट में काफ़ी औसम लगती है, और पीपीएफ मैंने आपको बता ही चुका हूँ, शार्पन मडगार्ड लगा रखा है, इसमें काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। शार्पन मडगार्ड ही बोलते हैं, रियर फेंडर मडगार्ड ही बोलते हैं, बरसातों में बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि मिट्टी वगैरह यहाँ पर भर जाती सारी, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये टायर अगर कंपनी देती है, और यहाँ पर जो है ये लगाने के बाद टेंशन फ्री। क्रैब रेल इसमें लग चुके हैं, और यहाँ पर भी एम्बियंट लाइट लगा रखी है जो कि बैक साइड में आप देख सकते हो। व्हील कवर लगा रखे हैं, आगे हाफ लगाए हुए, पीछे फुल लगाए हुए, ये हाफ वाले आ गए, एंड ये फुल वाले आ गए जो बहुत ही हैवी लोग देते हैं। और इसमें भी लगा हुआ है शार्पन मडगार्ड, ये देख सकते हो आप, और इसमें बबलाइजर वगैरह लगाया जा रहा है, इसमें विंगलेट लगी हुई है, और इसमें फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह लग रहे हैं, बॉडी इंडिकेटर वगैरह लग रहे हैं, ग्रैब रेल हो गया, वाइजर हो गया, इसको भी दिखाता हूँ इस साइड से, ये बबल वाइजर लग रहा है, और उसमें टैनर वाले मिरर वगैरह हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी आप R5 पे करा सकते हो अगर आप कराना चाहते हो तो, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से होता है। अभी उन्होंने सारी चीज़ें करवा ली हैं, वाइजर नहीं लगवाया, देखिए सिर्फ वाइजर लगवा रहे हैं, तो अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि किसको कैसा काम करवाना है और कैसा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये सारी R5 हो चुकी है, 1, 2, 3, 4। तो गाइस एक भैया अपने पास यहाँ पर लेके आ चुके हैं, अभी ये जो R1 है मैं आप देख सकते हो यहाँ पर, इसमें सिर्फ दो चीज़ें करवाई हैं, यहाँ पर हैंड ग्रिप हो गई 12 गोडा वाली जो कि ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, इसके अलावा यहाँ पर लीवर गार्ड हो गए कार्बन वाले जो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, और लीवर गार्ड बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप लोगों की कभी भी गलती से बाइक गिरती तो आपके क्लच और लीवर वगैरह डैमेज नहीं होते हैं, तो इसके लिए रहता है। बाकी ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, और इस कलर पर भी काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी हैं अपने पास, ये देख सकते हो आप। वैसे आप देख सकते हो यहाँ अपने सामने यामाहा R15M, और इसमें कुछ टॉप नॉच सी मॉडिफिकेशन है जो कि इसकी लुक को पूरा चेंज कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ से। जैसे कि सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर लगा रखा है बबल वाइजर जो बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है, यहाँ से देखोगे इस, और काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है यार। तो यहाँ पर आप देखोगे उसी साथ में यहाँ पर डिज़ाइनिंग की गई है, रैपिंग की गई है, और रैपिंग में काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग किए गए यहाँ पर भी देख सकते हो आप, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा इसका इग्निशन ऑन करके आपको दिखा देते हैं, इसकी आइस के अंदर भी देख सकते हो रैपिंग की गई है जो कुछ ये वाला लुक आ रहा है इसका। और इसके अलावा एक विंगलेट लगाई है कार्बन फाइबर की जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, ये भी काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रही है इसको। तो यहाँ से भी आप देख रहे हो, साइड से भी देख सकते हो आप। और अगली चीज़ इसमें की थी ग्राफिक की, तो ग्राफिक भी देख लो, इसमें शार्क का लुक आ रहा है, ये सारे शार्क के दांत वगैरह इसमें दिख रहे हैं, और ये कुछ इस तरीके से इसका भी लुक आ रहा है, और जितना इसको दूर से देखोगे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अभी मैं आपको इस एंगल से भी दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, तो यहाँ से ये पूरे के पूरा लुक आ रहा है, और जो साथ में इंडिकेटर है ये भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर देखो भाई, बॉडी इंडिकेटर लगा रखे हैं क्योंकि जो इसके कंपनी इंडिकेटर देती है वो टूट जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है फ्लैट इंडिकेटर, ये फुल्ली वाटरप्रूफ रहते हैं, तो ये भी लगाए हैं। इसकी आइज़ यहाँ पर बना दी है, और इसको यहाँ से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर भी डिज़ाइनिंग है रेड एंड ब्लू कलर की, इसी तरीके से यहाँ पर भी आ रही है और इस साइड भी आ रही है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा इसमें सीट कवर भी बड़े ज़बरदस्त लगा रखे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है, और फिनिशिंग से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लगाए हैं। और यहाँ पर एक शार्पन मडगार्ड लगाया है जिसे रियर फेंडर मडगार्ड ही बोलते हैं, तो ये लगा रखा है, ये भी देख सकते हो आप ग्लोव्स में, और मिट्टी वगैरह अंदर जाती है वो नहीं जाएगी। इसके अलावा इसमें व्हील कवर लगा रखे हैं दोनों साइड, ये देख सकते हो आप, हाफ वाले, आपने फुल लगवाने तो फुल भी लगवा सकते हो, और फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा रखा है इसमें, तो इसका मैं आपको साउंड सुनाता हूँ कैसा है। उससे पहले इसका की का कवर भी देख सकते हो गाइस, तो ये भी लगा रखा है, और अभी जो आप साउंड सुन रहे हो ये डीवी कलर के साथ है। एक बार डीवी कलर खोल के भी आपको साउंड सुना देता हूँ, और इसके अलावा जब तक डीवी कलर खुल रहा है मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ बैक साइड में टेल टाइडी लगा रखी है पूरी इंडिकेटर के साथ, जिसमें KTM के इंडिकेटर लगाए हैं, काफ़ी स्पोर्टी लुक आ रहा है इस एंगल से। जो ये वाला पार्ट है पूरा खोल चुका है, और काफ़ी गदर सा लुक आ रहा है इसका, गाइस देखो आप, तो उसको किसी भी एंगल से देख लो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और इसका जो है साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, उसके लिए डीवी कलर खोलना पड़ता है। डीवी कलर जो है वो ये वाला पार्ट होता है, इसमें LNK का नेट लगा होता है, उसको निकाल के इसका जो साउंड अभी ट्रेवल है ज़्यादा शोर कर रहा है, उसके बाद फिर ये बेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आ गया डीवी कलर, अब करते हैं इसको स्टार्ट।
स्नैरी भी ये था, शॉप पर आने से पहले एक बार ध्यान रखना, फिर डुप्लीकेट शॉप से सावधान रहना, जब भी आप आओगे एक बार कॉल कर लेना या मुझे देख लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो पर, टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत। तो आप लोगों को पता ही है गाइस कि आर 15 की काफ़ी सारी जो है वीडियो बनाते रहते हैं हम, काफ़ी सारी बाइक्स आती रहती हैं, ये सिर्फ आर 15 का मामला नहीं है, कोई भी बाइक को सारी मोटिवेशन मिलती है। लेकिन अभी के सिनेरियो में आप लोग देख रहे हो आर 15 पर, तो यहाँ पर एक और ब्लैक ब्यूटी तैयार हुई है और इसमें भी काफ़ी टॉप नॉच से काम है। और ये नंबर है जो ये बाइक है एक्चुअली ये राजस्थान से है, और इसमें दिखा देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ है। जैसे कि आप देखोगे हिडनली लगा रखी है इसमें फॉग लैंप्स, इसमें HJG की लगा रखी है, दो कलर मिलते हैं येलो एंड वाइट। इसका इग्निशन ऑन कर देते हैं पहले, और यहाँ पर इसका स्विच है, अब ये स्विच देखना, जैसे हमने इसको ऑन किया है तो इसमें एक आपको वाइट का फोकस मिलेगा जो यहाँ देख सकते हो आप। दोबारा से इसमें एक येलो का भी फंक्शन है, ये देखो, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगा रखे हमने विंग्स, स्पॉइलर जैसे कहते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका, ये देख सकते हो, और इस वाले एंगल से भी देख सकते हो भाई, तो ये स्पॉइलर आ गया, वो भी ड्यूअल साइड, जो काफ़ी बल्कि लुक दे देते हैं इसको, फ्रंट से बहुत ही हैवी लुक आ रहा है इसका, ये देख सकते हो भाई, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो इसमें जो है प्रॉपर लगा दिया है 3M की टेप के साथ और पेज के साथ, इससे कहीं नहीं जाने वाला है। एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है इसमें एग्रोपॉबिक का, इसका साउंड सुना देते हैं आपको, साउंड तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके अंदर आप देखोगे तो लाइट लगी हुई है ब्लू कलर की, और इस साइड से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हो। अभी दिन में इतना पता नहीं चलेगा लेकिन रात में काफ़ी ज़्यादा विजिबल रहता है। इसके अलावा गाइस इसमें बैक साइड में देखोगे तो इंडिकेटर लगा रखे हैं, इंडिकेटर दे रहा है एक बार, टेल टाडी लगा रखी है जो काफ़ी स्लिम से इंडिकेटर है, छोटे से है लेकिन इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, ये देखो गाइस। और आपको बता दिया यहाँ पर थाई पैड्स लगे हुए हैं, बबल वाइजर लगा हुआ है, टैनर वाले मिरर इसमें लगे हुए हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका गाइस, ये देख सकते हो आप। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ R15 उनमें क्या क्या वर्क हुआ है। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यामाहा R15 पर टॉप नॉच मॉडिफिकेशन मैं आप लोगों को लाता रहता हूँ, तो उसी तरीके से एक यहाँ पर R15 तैयार हुई है जो कि ब्लू कलर में है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसमें भी टॉप नॉच से काम हो रखे हैं, और मैं आपको अलग अलग R15 की मॉडिफिकेशन दिखाता रहता हूँ। अब इसकी सीट में भी डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको जो है खोलने का रीज़न ये था, आपको मैं ये दिखा दूँ कि इसके अंदर काफ़ी सारी वायरिंग का काम हुआ है लेकिन किसी तरीके की कोई अल्टरेशन नहीं होती, जस्ट प्लग एंड प्ले फिटिंग, कपलर टू कपलर, आप जितनी ज़्यादा लाइटिंग करा लो कुछ भी करा लो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एम्बिएंट लाइट लगा रखी है, बैक साइड में भी लगा रखी है, फेयरिंग के अंदर भी लगा रखी है, और इसी तरीके से आप जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो, और भी काफ़ी सारी लाइटें हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो फ्लैट इंडिकेटर लगा रखे जिसकी ब्राइटनेस आप देख लो, ये वाले इंडिकेटर तो पता ही नहीं चलेंगे इसके आगे, ये देखो, और यहाँ से अगर देख रहे हो तो बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अलावा KTM वाले इंडिकेटर लगा रखे हैं यहाँ पर, शार्क पिन मडगार्ड आप लोगों को लगवाना चाहिए क्योंकि बरसात का मौसम है तो मिट्टी वगैरह आप देख रहे हो अंदर सब गला देता है भाई, सस्पेंशन वस्पेंशन जो इसका मोनोशॉक लगा हुआ है सब खत्म हो जाते हैं, तो मिट्टी वगैरह आपकी अंदर ही रहेगी, तो इसलिए लगाते हैं, लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है। एग्जॉस्ट का कवर लगा रखा है ब्लू कलर का V4 की ब्रांडिंग के साथ, फ्रेम स्लाइडर्स लगा रखे हैं, आप लोगों को क्रैश गार्ड लगवाना तो वो भी मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से फ्रेम स्लाइडर्स हैं, बॉडी इंडिकेटर लगा रखे हैं जिनकी ब्राइटनेस आप देख सकते हो, फोर प्रोटेक्शन लगा रखे हैं, फोर स्लाइडर्स भी लगे हुए हैं सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए रहता है, व्हील कवर लगे हुए हैं जो कि फ्रंट में भी देख सकते हो और रियर में भी देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ लगा रखे फुल वाले और यहाँ पर लगा रखे हाफ वाले, और यहाँ से जो फ्रंट में लुक आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है क्योंकि इसमें टैनर वाले मिरर हो गए, बबल वाइजर हो गया विद इंडिकेटर के साथ मिरर हैं। इसके अलावा आइस हजार्ड लगा हुआ है और यहाँ पर लगी है विंगलेट स्पोर्टी लुक के लिए, अंदर लगी है फॉग लैंप्स वो भी हिडनली, इसका यहाँ पर स्विच है छोटा सा ये रहा, और की का कवर भी आप देख लो गाइस CNC में ब्लू कलर का लगाया है, हम इसको ऑन करके दिखाते हैं, ये देखो इसमें येलो एंड वाइट का फोकस मिल जाता है कुछ बहुत ही ज़्यादा तगड़ा फोकस मारता है, ये देखो गाइस। इसी तरीके से आप देखोगे तो लीवर एंड लीवर गार्ड लगा रखे हैं जो कि मान लो कभी गलती से भी आपका बाइक गिरता तो आपके क्लच और लीवर्स वगैरह डैमेज नहीं होते हैं, इस साइड से भी देख सकते हो ब्लू कलर के, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगा रखे हैं। लीवर भी लगे हुए हैं, मास्टर सिलेंडर कैप लगी हुई है फ्रंट वाली, यहाँ पर रियर वाली लगी हुई है सेफ्टी के लिए, और इसी तरीके से इसमें टैंक पैड थाई पैड का कॉम्बो लगा हुआ है, और इसमें सीट कवर भी आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले आप चेक कर सकते हो यहाँ पर सिमटेक का मोबाइल होल्डर, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती है, अगर आती है तो आपको नया मिल जाता है क्योंकि इसमें गारंटी वगैरह सब कुछ साथ में मिलती है। तो ऑल अबाउट जो बाइक है वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। अगर आप लोगों के पास M वाला एडिशन, अगर आप लोगों के पास यामाहा R15 M है तब भी आप इस तरीके का वर्क कर सकते हो, V3 है तब भी, MT है तब भी। साइड में आपको दिखा देते हैं यहाँ पर चेन, प्लास्टिक में यहाँ पर चेन कवर लगा रखा है,
वो भी मेटल का, ये देख सकते हो आप। तो ये हो गया सीट, मैं आपको इसकी और दिखा देता हूँ कि वो कैसी तैयार हुई है। बाकी इसमें कैसा लुक लग रहा है गाइस ये चेक करके बताना मुझे आप। यहाँ पर सीट कवर आ चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग से लगाया गया है। ये देख सकते हो इसकी रियर वाली, ये आ गई फ्रंट वाली सीट कवर कलर विद कुशनिंग के साथ इन्होंने काम किया गया है। अभी इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। बाकी ये है इसका सीट का, इसी तरीके से आप लोगों ने कलर कॉम्बिनेशन बनाना तो बना सकते हो। फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी, देख सकते हो गाइस आप। तो ये हो गई सीट इसकी।